अटेंडेंस कौन लेगा? टीचमेंट। पेपर कौन चेक करेगा? टीचमेंट। तो हम क्या करेंगे? आप बस बच्चों का सिलेक्शन कराइए सर, बाकी सब टीचमेंट कर लेगा। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर वन टीचिंग ऐप। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AVPS क्लासेस पे। दोस्तों, यूनिवर्सिटी परीक्षाओं को लेकर इस वक्त की एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। जी हाँ दोस्तों, कॉलेज की परीक्षाओं पर शिक्षा मंत्री ने एक बड़ा फैसला किया है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग के लिए लाइव उन्होंने आके फैसला किया है। जो उन्होंने लाइव आके आपके लिए फैसला किया है, तो वो वीडियो क्लिप आपको दिखाने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखते रहेगा, पूरी अपडेट आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आपको इसी प्रकार से कॉलेज की परीक्षाओं को लेकर जो भी अपडेट आए या फिर जो भी बड़े फैसले लिए जाए अपने चैनल से आपको रेगुलर डेली अपडेट मिलती रहे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपने मित्रों के साथ भी वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। दोस्तों चलिए मैं आपको वीडियो क्लिप दिखा देता हूं कि जो शिक्षा मंत्री ने आपके लिए लाइव आकर फैसला किया है। नमस्कार, मैं डॉक्टर मोहन यादव, उच्च शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश शासन। मध्य प्रदेश के समस्त स्नातक में स्नातकोत्तर विद्यार्थी जो परीक्षा में आगामी बैठने वाले हैं, ऐसे बच्चों के संबंध में शासन की तरफ ये ध्यान दिलाया गया कि उन बच्चों में से कई बच्चों ने समय पे, चूंकि कोरोना का कष्ट होने कारण से परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाए थे और लेट फीस से भी उनको मौका नहीं मिल पाया, ऐसे समस्त विद्यार्थियों के लिए मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा विभाग ने आगामी 31 मई तक बगैर कोई विलम्ब शुल्क लिए फॉर्म भरने की सुविधा दी है। मैं आप सबके माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि जो भी विद्यार्थी इस सत्र की परीक्षा में शामिल होने जाता है, उस विद्यार्थी को 31 मई तक बगैर विलंब शुल्क के वो परीक्षा में बैठ सकता है। साथ ही साथ समस्त कुलपतियों से भी निवेदन है कि सभी विश्वविद्यालय समय सीमा के अंदर हमारा जो परीक्षा कार्यक्रम है उसको लागू करें। एक बार फिर आप अपना ध्यान रखें, कोरोना के शासन के निर्देशों का ध्यान रखें। आप सबके प्रति मंगल कामना, धन्यवाद।